अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज लव। तो दोस्तों, आज की नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी चंद मिनट्स में। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, कोई भी स्टेप स्किप ना कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप बहुत जल्द अपना अकाउंट खुद बना सकते हैं, और एक नंबर पर कई अकाउंट, दो या तीन अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल जो कि नॉलेज लव के नाम से है, उसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें उसके साथ मौजूद बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें मजीद और भी बहुत सी वीडियोस है जो मैंने अपलोड की हुई है, हाउ टू लव योरसेल्फ, हाउ टू क्रिएट ए पीएनजी फाइल, हाउ टू गेट फ्री इंटरनेट, और इस तरह के मजीद वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ मौजूद इस बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, शुक्रिया। तो चलो अभी हम अपनी नई वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, सबसे पहले जाना है आपने गूगल क्रोम पे, ठीक है। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है, गूगल सर्च में आपने लिखना है क्रिएट ए जीमेल अकाउंट, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नीचे आ गया क्रिएट योर गूगल अकाउंट, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके सामने ऐसी स्क्रीन शो होगी, ठीक है। अगर आपका जीमेल अकाउंट बना हुआ है फिर तो आप ईमेल और फोन नंबर लिख कर नेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने बनाना है नया अकाउंट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट, ठीक है। टू मैनेज माई बिजनेस फॉर माई सेल्फ, इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। आपने अपने बिजनेस के लिए यूज करना है, ठीक है, या फिर आपने अपने लिए पर्सनली यूज करना है, ठीक है। मैं क्लिक करूँ माई सेल्फ, ठीक है। तो इस पे अब फर्स्ट नेम, जैसे कि फर्स्ट नेम आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी नेम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर फैसल, ठीक है, अशरफ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा नेम ऐड करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके वो डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो जीमेल अकाउंट है हमारे मोबाइल में यूज होता है, ठीक है, और इसके बगैर हम ना तो प्ले स्टोर ओपन कर सकते हैं और ना ही हम गूगल में कोई भी डेटा सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे ही आप नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ ऐड करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि कोई भी नेम अपना ऐड करना है, मतलब जो भी आप जीमेल ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ आप अपना कोई भी नेम ऐड कर, जिस समय यहाँ पर फैसल, ठीक है, फैसल डॉट फेसबुक, ठीक है, फेसबुक 123 ऐड कर रहा हूँ अभी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैंने जैसे कि, ठीक है, पासवर्ड देने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने आपका नंबर शो हो रहा है और आपसे वो डिफरेंट रंग की पूछ रहा होगा कि आपने जो भी इसमें इनकी जो भी इन चीजें हैं वो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाउ टू वर्क, मतलब वो कैसे वर्क करता है, नंबर ऐड करना है, आप कंफर्म करना है कि आपके इसी नंबर पे आपने यूज करना डेटा, ठीक है। तो मैं इस पे नीचे आकर यस आई एम इन भी कर सकता हूँ, और नीचे स्किप का ऑप्शन भी है, तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। स्किप करेंगे तो आप देख सकते हैं तो ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो इस पे हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये इनकी पर प्राइवेसी एंड टर्म्स है, ठीक है, इसको हम एग्री करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट तकरीबन 95% क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी ये लोड, थोड़ा देर लोडिंग होगा, तो देख सकते हैं आप ये अकाउंट ऐड, ठीक है। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट, पासवर्ड देने के बाद नेक्स्ट करते हैं तो ठीक है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। क्रिएट होने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर फैसल और फेसबुक वन, ठीक है। अब इसमें मजीद ये नीचे जो आ रहा है मैनेज योर गूगल अकाउंट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ये हमारा अकाउंट बेसिकली क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसमें मजीद सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है, यह देखें आपके जो मुकम्मल डेटा ओपन हो चुका है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप ये देख सकते हैं, इसमें फर्स्ट पे है प्राइवेसी, ठीक है, सेकंड पे सिक्योरिटी इशू फाउंड, ठीक है, अकाउंट स्टोरेज, इसमें आप अपनी पिक्चर्स वीडियोस कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, इसमें 15 GB की स्पेस होती है। ठीक है, तो इसमें अगर मजीद आप कोई भी सेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, यानी आगे आके, ठीक है, यहाँ पर अपने प्रोफाइल पिक्चर सेट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कोई भी फोटो, तो फिलहाल ट्राई के तौर पर मैं इसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर आ गई, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे सेट एज प्रोफाइल फोटो, ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि फोटो इसके अपडेट हो गई, ठीक है, और मजीद इसमें जो भी है ये आप देख सकते हैं कि इसमें मजीद आपने डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है, कुछ भी चेंजिंग करनी है यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आगे है डेटा, ठीक है, यहाँ आप अपने अकाउंट की जितनी भी प्राइवेसी वगैरह है, सेटिंग वगैरह है, जो भी आपने सेट करना है जिस लिहाज से वो आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, और सिक्योरिटी यह देख सकते हैं, सिक्योरिटी इशू है, ठीक है, इसमें आप अपने अकाउंट को जिस तरह ये जिस जैसे कि अभी फिलहाल मेरा मोबाइल जिस पे ये ऑन है, ठीक है, वो शो कर रहा है, तो आपको अगर आपने देखना हो कि आपका आईडी कहाँ कहाँ लॉगिन है तो आप इस जगह आकर सिक्योरिटी में आकर यहाँ पर योर डिवाइसेस तो देख सकते हैं कि आपका अकाउंट कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, पीपल एंड शेयरिंग, तो यहाँ पर आप अपने कॉन्टैक्ट्स, इसमें कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं, अपनी फोटो सेव करते हैं कर सकते हैं, कुछ भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, और मजीद इसमें आप अपने अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है कुछ भी करना है तो इस पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मैं आप लोगों को फिर एक दफा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शुक्रिया, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तो प्लीज़ मैं आपको एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज लव को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।